नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन यह एपिसोड स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि यहां पर हम दो टॉपिक के बारे में एक वीडियो में बात करेंगे। टू इन वन वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। जी हां, यूएसए में आप देखने को आया है के 2030 तक जो इंसानी सोल्जर्स हैं उनको आउट नंबर कर देंगे रोबोट सोल्जर्स। जी हाँ, ऐसे सैनिक जो कि रोबोट होंगे, वो इंसान होंगे ही नहीं, उनकी तादाद ज्यादा होगी इंसानी सोल्जर्स से अमेरिका में 2030 तक, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब पेंटागन के बारे में आप जानते हैं, जितना भी डिफेंस और सिक्योरिटी के जितने भी पैसे सैंक्शन होते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कोई भी बिल विल पास होते हैं उनके, वो सारे पेंटागन से होते हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका की जितनी भी सिक्योरिटी के जिम्मा होता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, पेंटागन का। इसकी सिक्योरिटी काफी हाई होती है और अमेरिका की सुरक्षा का ध्यान रखना पेंटागन की जिम्मेदारी होती है। तो पेंटागन से $10 मिलियन सैंक्शन किए गए हैं प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए वॉर रोबोट्स के। ये वॉर रोबोट्स इंसान की तरह दिखेंगे या ये मिनी टैंक्स होंगे, ऐसी मशीनें होंगी जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे ये लोग, या इसको अगर कोई चला सके तो दूर बैठे कोई इसको रिमोट से चला सकेगा। और ये लोग, ये जो मैं रोबोट की बात कर रहा हूं, लोग नहीं बोलूंगा, ये रोबोट, ये इतने कैपेबल होंगे कि इंसान से टक्कर ले सकेंगे वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में। जब किसी दो देशों की लड़ाई होती है तो यहां से भी सैनिक को फायर करते हैं, यहां से भी सैनिक फायर करते हैं, तो दूसरे देशों से तो इंसान फायर करेंगे लेकिन अमेरिका से रोबोट फायर करेंगे। जितने भी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं अमेरिका के, वो बोल रहे हैं कि अब ये सिर्फ सपना नहीं रह गया, ये रियलिटी हो गई। आप जानते हैं रोबोटिक्स कितना आगे बढ़ चुका है। अभी तो एक रोबोट को नागरिकता मिल गई एक देश की। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी रोबोट्स के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आपको देखनी चाहिए। तो ये तो पूरी सच्चाई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, हम जानते हैं अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है, काफ़ी डेवलप्ड देश है वो, वहाँ के लोग सब डेवलप्ड हैं, तो उनको एज चाहिए हमेशा, हर जगह वो आगे निकलना चाहते हैं। तो चाइना, रशिया, इंडिया, इन कंट्रीज से वो आगे निकलना चाहती है बैटल फील्ड में, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ तो अभी वॉर रोबोट्स हैं नहीं, उनके यहाँ वॉर रोबोट्स हैं। अब उनको वॉर रोबोट्स का फायदा क्या होगा, वॉर रोबोट्स पे क्या होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स इजीली काम नहीं करेंगे। अब मुझे आप बताइए, रोबोट को अगर सांप काट जाएगा तो वो मरेगा, नहीं मरेगा। और रोबोट के अगर मटेरियल काफी स्ट्रांग बना हुआ है तो 2-3-4 गोली से तो उसको कुछ भी नहीं होगा, राइट? और वहीं इंसान को लग जाए तो खून निकलने लग जाएगा, दर्द होगा, वो मर जाएगा, राइट? तो ये फर्क है, इसलिए वॉर रोबोट्स बना रहे हैं। लेकिन ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं, इनका नेगेटिव साइड भी हो सकता है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे तो अगर ये इतने सारे रोबोट की पूरी सेना बना रहे हैं, अब जरा सोचो कि ये बगावत पर उतर आए तो क्या होगा, नाश हो जाएगा अमेरिका का। देखिए, पावर्स आती है लेकिन पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और रिस्क भी आता है। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब वो लोग बना रहे हैं तो भैया वो ही जाने अब कैसे बना रहे हैं। मेरे पास ये सवाल भी आते हैं सर कभी कभी, जब मैंने मिस्टीरियस नाइट्स सीरीज शुरू की थी तो वो बोलते थे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है ये पर फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर देना चाहूँगा। लोग बोल रहे थे सर अमेरिका ऐसे इंसान और रोबोट को मिक्स करके बना रहा है, मतलब वो आधा इंसान होगा और आधा रोबोट होगा और वो वॉर में जाएगा। देखिए, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जितनी भी वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं वो लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंसानों को और मशीनों को मिला के कुछ बनाया जा रहा है, बट इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो अमानवीय है और ये अवैध ही कहेंगे आपको। किसी भी भले चंगे इंसान को अगर उसकी टांगे काटकर रोबोट की टांगे लगा दोगे, काट कर लगा दोगे, तो ये तो देखो गलत ही है। हाँ, उसकी अगर टांगे नहीं है तो उसको चलने के लिए आप अगर टांग लगा दें रोबोट की, देन इट्स ओके, तभी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अभी अफवाहें, इस पर विश्वास ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि आने वाले कुछ सालों में इंसानी सोल्जर से ज़्यादा अमेरिका में रोबोट सोल्जर देखने को मिलेंगे, जो कि लड़ाई पर जाएंगे, जो नॉर्मल उनकी ड्यूटी होती है वो करेंगे। नहीं हो कुछ भी करना हो इंटरनेट पे आप बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। इंटरनेट का सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी किया जाता है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के दुरुपयोग के बारे में कि इंटरनेट को कैसे मिसयूज़ किया जाता है।